Very good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying at your home. Today we are going to start exercise 1.2. Read the first term. 10 mugs with 5 mugs in each box. क्या करना है इसमें? उन्होंने बोला है कि 10 mugs को हमने pack करना है. ठीक है, 10 mugs को हमने pack करना है 5 छोटे-छोटे boxes के अंदर. ठीक है, तो हमने व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इट विद द डिवाइड. ओके, डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, वी हैव टू फाइंड आउट डिवीज़न फैक्ट एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड. ओके, डिवीज़न मैंने आपको बताया था, डिवीज़न का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, टू डिवाइड इक्वली, कि सबको इक्वली कुछ भी मिले. ओके, रीड द फर्स्ट टर्म. 10 मग्स विद 5 मग्स इन ईच बॉक्स. डिवीज़न फैक्ट निकालना है हमने. 1.1 में भी निकाला था ना डिवीज़न फैक्ट. कैसे निकालते हैं? जो हमें नंबर दिया हुआ है 10, इसको बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. तो एक नंबर दिया हुआ है हमें 5, 5 से हमने डिवाइड करना है. जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर. तो हमने 10 को 5 से डिवाइड करना है. ओके, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे करते हैं. बोर्ड जैसे लग रहा है आपको स्टूडेंट्स? मज़ा आ रहा है? ये देखो, पहले हमने ऐसे का एक बना लेना है. सेंटर में लिखो 10. ओके, नाउ डिवाइड इट विद द 5. 5 से डिवाइड करो. 5 का टेबल बोलना है आपने. ये देखो, 5 का टेबल आपने अपने मन में बोलना है. 5 1 5 5 2 10. ये 10 हमें मिल गया. ये देखो, 10 पर कितने नंबर पे आया? 10 2 नंबर पे आया ना, तो हमने 2 को लिखना है यहाँ पर और 10 को लिखना है यहाँ पर, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. 10 माइनस 10 क्या आएगा? 0. आप 0 भी लिख सकते हो, आप क्रॉस भी लगा सकते हो. नाउ 2 इज़ आवर आंसर. 2 इज़ आवर आंसर. तो हमने, ये देखो, यहाँ पे लिखना है डिवीज़न फैक्ट. डिवीज़न फैक्ट हमारा क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2. ये जो हमारा 2 आया है यहीं लिखना है. और नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, इसका मतलब है कि हमें कितने बॉक्स चाहिए जो हमने फाइंड आउट किया. ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड हमें कितने आए? 2. ओके, सी द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम रीड करो. 8 मग्स विद 2 मग्स इन ईच बॉक्स. बिल्कुल सेम, वेरी इजी सम. 8 मग्स को पैक करना है हमने 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर. ठीक है, जैसे हम कोई बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर से 4 कितने सारे निकलेंगे. ठीक है, 8 मग्स को हमने पैक करना है 2 मग्स, 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर. ठीक है, 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्स नहीं, 2 बॉक्स, 2 मग्स होने चाहिए 1 बॉक्स में. ठीक है, उन्होंने बोला 8 मग्स को पैक करना है. कितने बॉक्सेस हमें लगेंगे ताकि एक बॉक्स में 2 मग्स आएँ? ठीक है, हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करनी है. ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करनी है. तो क्या करना है इसमें भी? हमने 8 हमें मिला हुआ है, 8 नंबर ऑफ मग्स, टोटल 8, एंड 2 मग्स शुड बी इन ईच बॉक्स. 2 मग्स डालने 1 बॉक्स में. हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, तो हमने 2 का टेबल बोलना जब तक 4 नहीं आ जाता. 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. वॉट 8 मिल गया? 8 कौन से नंबर पे मिला है हमें? 4 नंबर पे. 4 नंबर पे 8 मिल गया. नाउ वी विल राइट 8 हेयर. 8 माइनस 8 0, या क्रॉस. 4 इज अवर आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवीज़न फैक्ट कैसे बनाना है? जो हमें पहले नंबर पे दिया है 1 नंबर पे 8 मार्क्स, मतलब टोटल नंबर, इसको बोलते हैं डिविडेंड. दिस इज डिवाइजर. 2 इज अवर डिवाइजर, एंड आंसर हमारा क्या आया है? 4. 4 इज अवर क्वेश्चन. यहाँ पे भी हमने 4 ही लिखना है. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज. सी द एक्सरसाइज 1.4. 1.3 वी विल लीव. 1.3 हमने
नहीं करनी है. वी विल स्टार्ट विद 1.4. वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज. राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. क्या करना है, हमने टेबल लिखना है. टेबल तो आपको पहले से ही आते हैं, ठीक है. राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ये हमें ऐसे दिया होएगा, 10 divided by 5 is equal to 2, ठीक है. 10 divided by 5 is equal to 2. इसके बाद ये दोनों बॉक्सेस ये खाली छोड़ेंगे. मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, 10 divided by 5 is equal to 2, ये हमें मिला था. और इसके बाद टू बॉक्सेस उन्होंने हमें बना के दिए हैं. इसके अंदर हमने क्या लिखना है, ये देखो, इसके अंदर हमने टेबल लिखना है. टेबल तो आपको आता ही नहीं, देखो, इसी से ये आंसर में ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. पहले लिख देना हमने 2 5s is equal to 10, ठीक है. और फिर इसको उल्टा ऐसे, 5 2s are 10. देखा कितना इजी है, क्वेश्चन में ही आंसर हमें मिला हुआ है. 2 5s are 10, मतलब 10 कैसे आ सकता है. 2 का टेबल 5 तक बोलने से भी 10 आ सकता है, और 5 का टेबल 2 तक बोलने से भी 10 आ सकता है. गॉट इट. सीधा नेक्स्ट हम 18 divided by 9, देखो, 18 divided by 9 is equal to 2. देखो कितना इजी, मैंने बताया ना, इसको क्वेश्चन में ही आंसर है. देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. टू बॉक्सेस ऐसे बने होंगे, टू बॉक्सेस बने होंगे, ओके. तो क्या करना है, 2 9s are 18 एंड 9 2s are also 18. गॉट इट. इजी है ना. सीधा सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको टू पार्ट्स करवा दिए, बाकी आपने खुद करनी है. नाउ सी द सेकंड सम. यूज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम्स. यूज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, मतलब आपको टेबल्स बोलने हैं. यूज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एंड सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम्स. जो ऊपर किया ना, अब ये रिवर्स हो गया, उसका उल्टा हो गया. मल्टीप्लीकेशन टेबल्स बोल के उसका डिवीजन फैक्ट बनाना है. सीधा फर्स्ट सम, 6 divided by 2. तो 6 divided by 2 कैसे करना है हमने, जो फर्स्ट नंबर पर दिया होता है वो होता है हमेशा डिविडेंड, ओके. ये सेकंड नंबर है डिवाइजर, और इस बॉक्स में आएगा क्वेश्चन. तो हमने 6 को रखना है सेंटर में और 2 से डिवाइड करना. अब 2 का टेबल बोलो 6 तक. 2 1 2 2 2 4 2 3 6. कौन से नंबर पे 6 आया, 1 2 3. 3 नंबर पे 6 आया ना, ये देखो. तो ये हमारा आंसर, 3 आंसर आ गया, ये लिख लिया हमने यहाँ पे 3. गॉट इट. कितना ज़्यादा इजी सम है, ठीक है. तो सीधा सेकंड पार्ट, 40 divided by 5. तो क्या करना है इसमें, आपने 40 को सेंटर में रखा, 40 को रखा सेंटर में. स्टेटमेंट देखो दोबारा, 40 divided by 5, 40 इज डिविडेंड, 5 इज डिवाइजर. डिवाइजर को रखो साइड पे. अब 5 का टेबल बोलना है आपने 40 तक. बोलो, जब तक 40 नहीं आ जाता 5 का टेबल बोलो. 5 1 5 5 2 10, ऐसे आते हैं ना. 5 3 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40. कौन से नंबर पे है काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 8 नंबर पे 40 आए, 5 8 था 40. तो हमारा आंसर क्या आया,
8 जो हमारा इस तरफ आता है क्वेश्चन, उसको बोलते हैं आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8। वी विल राइट 8 ओवर हेयर। ओके, गॉट इट। अब आप बाकी के सम अपने आप कर सकते हो ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सबने अपनी मम्मा के पास बैठ के सारे सम्स करने। ओके।